हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट लाइट बुक से एक पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, इसके पोएट है ऑगडन नैश। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेट, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। तो ये पोएम एक बैलेट के स्टाइल में लिखा हुआ है। बैलेट क्या होता है? एक ऐसा सॉन्ग या फिर पोएम जिसमें एक स्टोरी बताया जाता है। मतलब ये जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं, ये लिखा हुआ है पोएम के स्टाइल में, लेकिन इसमें हमें एक स्टोरी समझने को मिलेगा। ठीक है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेट्स डैट नरेट्स टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। और आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी बैलेट सुना ही होगा जिसमें बहादुरी की कहानियाँ सुनाई जाती हो। तो दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेट क्लोज टू अ पैरोडी। तो ये पोएम में आपको काफ़ी हंसी आने वाला है और ये काफ़ी फनी वे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं पोएम को। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटल व्हाइट हाउस विथ अ लिटल ब्लैक किटन एंड अ लिटल ग्रे माउस एंड अ लिटल येलो डॉग एंड अ लिटल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटल पेट ड्रैगन। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स बताया गया है इस पोएम में, कौन से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला, एक छोटी सी लड़की है बेलिंडा, वो रहती कहाँ पे है? एक छोटे से वाइट कलर के हाउस में। अब इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि एग्जाम में पूछते हैं कि बेलिंडा कहाँ रहती थी। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा इन अ लिटल वाइट हाउस। और उसके चार पेट्स थे, एक लिटल ब्लैक कलर का कीटन था, ठीक है, बिल्ली का बच्चा, एंड अ लिटल ग्रे माउस, एक ग्रे कलर का छोटा सा माउस था, एंड अ लिटल येलो डॉग, छोटा सा येलो कलर का डॉग था, एंड अ लिटल रेड वैगन, और उसके घर में एक रेड कलर का वैगन भी था। ठीक है, वैगन क्या होता है आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। एंड अ रियलियो ट्रूलियो, रियलियो ट्रूलियो का मतलब है यहाँ पे रियली ट्रूली। ठीक है, पोएट ने यहाँ पे इसका स्पेलिंग चेंज कर दिया है, इसको पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। लिटल पेट ड्रैगन, और बेलिंडा के पास एक और एक पेट था जिसका नाम था ड्रैगन। ठीक है, चलिए, ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन एक ऐसा एनिमल होता है जिसके पंख होते हैं और ये अपने मुंह से क्या फेंकता है? आग फेंकता है। तो ऐसा एनिमल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ स्टोरीज में है। ठीक है, चलिए, तो इस स्टैंजा में आपको इतना बात याद रखना है, बेलिंडा नाम की एक लड़की है और उसके ये चार पेट्स हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो इस स्टैंजा में इन सब पेट्स का नाम बताया गया है। तो जो ब्लैक किटन था उसका नाम था इंक, और जो ग्रे कलर का माउस था उसका नाम था ब्लिंक, और जो येलो कलर का डॉग था वो मस्टर्ड इतना शार्प था। मस्टर्ड आपको पता होगा, सरसों। ठीक है, तो वो खाने से जितना शार्प टेस्ट होता है ना, उतना ही शार्प था ये येलो कलर का डॉग। ठीक है, और जो ड्रैगन था वो काफ़ी कावर्ड था, कावर्ड मतलब डरपोक था, इसीलिए वो उसे क्या बुलाती थी? कस्टर्ड बुलाती थी। तो अभी आप इसका नाम याद कर लीजिए कि किटन इंक याद हो जाएगा, फिर माउस ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकना। ठीक है, तो माउस का नाम रखा गया था ब्लिंक, येलो डॉग का नाम था मस्टर्ड, डॉग चूंकि येलो कलर का था और मस्टर्ड भी येलो कलर का होता है इसलिए यहाँ पे ऐसा नाम दिया गया है, और जो ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड। पोएम में भी, पोएम का टाइटल भी हमने देखा कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड। ठीक है, चलिए, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। इस स्टैंजा में उस ड्रैगन को डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए, उसका नाम कस्टर्ड था और उसके जो दांत थे वो काफ़ी बड़े बड़े और शार्प, ठीक है, धारदार थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपर वाले हिस्से में स्पाइक्स, ठीक है, नुकीले नुकीले स्ट्रक्चर निकले हुए थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा था, पेट वाला हिस्सा, वहाँ पे स्केल्स था। स्केल्स क्या होता है? इसको चोइटा बोलते हैं, ठीक है, जैसे मछली का चोइटा होता है वैसे ही यहाँ पे था। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, फिर उसके माउथ को कंपेयर किया गया है फायर प्लेस से, ठीक है, क्योंकि उसके मुंह से लगातार क्या निकलते रहता है? आग निकलते रहता है। चिमनी फॉर अ नोज, और उसके नाक को कंपेयर किया गया है चिमनी से, चिमनी से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, वैसे ही इस ड्रैगन के नाक से हमेशा स्मोक निकलता रहता है। एंड रियलियो ट्रूलियो, रियलियो ट्रूलियो फिर से रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, उसके टोज को क्या से कंपेयर कर दिया गया है? डैगर्स, खंजर से, ठीक है, उसके टोज के जो नाखून थे वो खंजर समान थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टैंजा है, इसमें ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब यहाँ पे सभी का बहादुरी डिस्क्राइब किया गया कि कौन कितना ब्रेव है। तो जहाँ तक बेलिंडा का बात है, तो वो इतना ब्रेव थी जैसे कि एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बैरल फुल ऑफ बेयर्स मतलब होता है अ पर्सन विदाउट फियर, ठीक है, उसमें निडर थी एकदम बेलिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लायन डाउन द स्टेयर्स, और इंक एंड ब्लिंक, इंक कौन है? किटन है, और ब्लिंक कौन है? पलक झपकते ही कौन चला जाता है? माउस, ठीक है।
तो ये दोनों क्या थे, इतने बहादुर थे कि ये लोग चाहे तो लायंस को भी सीढ़ी से नीचे दौड़ा के भगा दे। ठीक है, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड मतलब येलो डॉग था, वो इतना बहादुर था कि मतलब जैसे कि एक टाइगर जो है गुस्सा में जितना बहादुर होता है कि वो कुछ भी कर जाएगा, उतना ही बहादुर ये मस्टर्ड भी था। और जहाँ तक कस्टर्ड का सवाल था, तो वो हमेशा रोता रहता था फॉर अ नाइस सेफ केज। उसे हमेशा क्या चाहिए था, एक अच्छा सा पिंजरा चाहिए था ताकि वो पिंजरे में जाके बंद हो जाए और कोई उसे बाहर से अटैक ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि कस्टर्ड क्या था, कावर्ड था, समझे इतना। चलिए मूव करते हैं अगले स्टैंजा पे। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीबल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटल रेड वैगन एट द रूलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन। तो बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी लगाना, उसे गुदगुदी लगाती थी, उसे कुछ कुछ बोलती रहती थी और इतना गुदगुदी लगाती थी अनमर्सीफुल कि वो ड्रैगन के लिए अनकम्फर्टेबल था वो। हाँ, उसे हमेशा कुछ कुछ बोलती रहती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और ये तीनों जो पेट थे, इंक मतलब किटन, ब्लिंक मतलब माउस और मस्टर्ड मतलब डॉग, ये तीनों जो थे, ये तीनों रूडली उसे क्या बोल के बुलाते थे, परसीवल बोल के बुलाते थे। परसीवल कौन था, परसीवल एक वॉरियर था किंग आर्थर का, नाइट था, ठीक है, किंग आर्थर के कोर्ट में, और इसके पास काफ़ी ताकत होने के बावजूद भी ये काफ़ी कावड़ टाइप का था, डरपोक इंसान था। तो यहाँ पे ड्रैगन को कंपेयर किया गया है परसीवल के साथ। ठीक है, तो ये तीनों उसे परसीवल बोल के बुलाते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटल रेड वैगन, ये सब लोग उस रेड कलर के वैगन में बैठ जाते थे और सब कोई ड्रैगन के ऊपर हंसते थे, एट द रिलियो ट्रुलियो कावर्डली ड्रैगन। ठीक है, और इस ड्रैगन को कावर्डली यहाँ पे बोला गया क्योंकि ड्रैगन कावर्ड था काफ़ी, वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था। बेलिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो देखिए यहाँ पे और इनका एक्टिविटी डिस्क्राइब किया गया है। बेलिंडा इतना हंसती थी, गिगल मतलब हंसना, कि वो मानो घर को हिला देती थी हंस हंस के। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक क्या बोलता था, वीक बोलता था। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये उसका आवाज़ है। विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, ये बोल के वो हंसता था। ठीक है, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जब कस्टर्ड हमेशा रोता रहता था कि मुझे एक अच्छा सा पिंजरा दे दो, तब इंक और मस्टर्ड क्या करते थे, उसे उसका एज पूछते थे, बोलते थे कि अरे तुम्हारा उम्र बताओ, इतना उम्र हो गया और अभी भी तुम पिंजरे के लिए रोते हो। ठीक है, ऐसे बोल के उसे चिढ़ाते थे। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, म्याउच क्राइड इंक एंड ऊह क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब यहाँ पे देखिए अचानक से अब ट्विस्ट आता है स्टोरी में, अचानक से उन्हें क्या सुनाई पड़ता है, एक नेस्टी साउंड। नेस्टी साउंड मतलब वेरी बैड साउंड, गंदा सा आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ता है, और ये सुन के मस्टर्ड क्या करने लगता है, ग्राउल करने लगता है। ग्राउल मतलब आप इस साउंड क्लिप को सुनिए, इसको बोलते हैं ग्राउलिंग का साउंड। ठीक है, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी इधर उधर देखने लग जाते हैं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रहा है। म्याउच क्राइड इंक, जो किटन थी वो म्याउच बोलती है, एंड ऊह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा ऊह बोलती है, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि उन्हें क्या दिखता है, एक पायरेट दिखता है। पायरेट क्या होता है, समुद्री डाकू जो शिप्स को अटैक करते हैं। ठीक है, वो दिखता है क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब यहाँ पे भी पोएट ने विंडो को स्पेलिंग चेंज करके विंडा लिख दिया है ताकि वो बेलिंडा के साथ राइम कर पाए, तो इसको यहाँ पे भी बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस है पोएट के पास। ठीक है, तो उन्हें दिखता है कि एक पायरेट जो है वो विंडो को क्लाइंब कर रहा है, तो ये देख के जो इंक है वो म्याउच बोलती है और बेलिंडा ऊह बोलती है। ठीक है, अब यहाँ पे उस पायरेट को डिस्क्राइब किया जाएगा कि पायरेट कैसा था दिखने में। पिस्टॉल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टॉल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। तो पायरेट के दोनों हाथों में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में ही क्या थे, पिस्टल थे। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, कटलास क्या होता है, एक शॉर्ट स्वॉर्ड, ठीक है, छोटा सा तलवार होता है। तो अपने दांतों के बीच में क्या रखा हुआ था, एक छोटा सा तलवार रखा हुआ था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसके जो दाढ़ी थे वो काफ़ी काले काले थे। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक टांग लकड़ी का बना हुआ था। ही वॉज क्लियर डैट, इट वॉज क्लियर डैट द पायरेट मेंट नो गुड, और उसका वेशभूषा देख के लग रहा था कि इसका इंटेंशन वहाँ पर ठीक नहीं है, वो कोई गंदा इंसान है। ठीक है, बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड हेल्प, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड। अब देखिए यहाँ पे सबका बिहेवियर बताया गया है। बेलिंडा जो थी वो डर के मारे पीला पड़ जाती है, क्यों डर जाती है, क्योंकि वो उस पायरेट को देखकर डर जाती है। ठीक है, और डर के मारे वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। बट वो जो येलो डॉग था मस्टर्ड, वो भी डर के मारे
येल्प, येल्प का मतलब स्क्रीम या फिर चीखना, ठीक है। वो चीखते चिल्लाते वो भी भाग जाता है मस्टर्ड। जहाँ तक इंक का बात था उस किटन का, तो वो भी ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो भी अपने घर के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाके छिप जाती है। एंड लिटल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा सा माउस था ब्लिंक, वो भी स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रैटेजिकली मतलब प्लान बनाकर, काफ़ी प्लानिंग के तहत चुपके से अपने छोटे से बिल में जाके छिप जाता है, ठीक है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजिन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैगलिंग स्क्वॉम, ही वेंट एट द पायलट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कस्टर्ड का बिहेवियर डिस्कस किया गया है। तो जो ड्रैगन था कस्टर्ड, वो वहाँ पे उछल के आता है और स्नॉट करता है लाइक एन इंजिन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और वो अपने टेल को उस फ्लोर पे पटकता है, और पटकने से जो आवाज़ आता है ना, जैसे मानो डंजन का आयरन्स का आवाज़ हो। डंजन क्या होता है, अंडरग्राउंड जो जेल होता है एक, वहाँ पे जो लोहे का दरवाजा जब बंद करते हैं तो जैसा आवाज़ आता है ना ढम ढम, वैसा ही आवाज़ यहाँ पे उसके टेल से प्रोड्यूस हो रहा था। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैगलिंग स्क्वॉम, और ये सब भी मेटलिक साउंड है, ठीक है। ये सब आवाज़ करते हुए स्क्वॉम, स्क्वॉम का मतलब होता है ट्विस्ट, ठीक है। तो वो मुड़ता है और ही वेंट एट द पायरेट, वेंट एट द पायरेट मतलब अटैक द पायरेट, वो पायरेट को अटैक करता है ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक रॉबिन बर्ड एक वॉर्म को अटैक करती है, ठीक है। रॉबिन बर्ड आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। द पायरेट गेव दैट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गर्ल्ड सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फायर टू बुलेट्स बट दे डिडेंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बीट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो जो पायरेट था गेप्ड, गेप्ड मतलब मुंह खुला होकर किसी को देखना, काफ़ी चौंक जाता है और वो किसको देखने लग जाता है, ड्रैगन को देखने लग जाता है। एंड गर्ल्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, उसके पॉकेट में एक छोटा सा डिब्बा था, उसमें क्या होता है ग्रॉग होता है। ग्रॉग क्या किसको बोलते हैं, अ ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाई सेलर्स, ठीक है, मतलब उसमें एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, तो वो उसे गल्प मतलब पीने लग जाता है, गटक जाता है। और उसको पीने के बाद ही फायर टू बुलेट्स, वो दो गोली चलाता है लेकिन वो दोनों ही गोली ड्रैगन को नहीं लगता है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और इतना टाइम में जो ड्रैगन रहता है कस्टर्ड, वो उसे क्या कर जाता है, निगल जाता है। और पूरा गॉबल्ड का मतलब होता है टू ईट समथिंग क्विकली एंड नॉइजली, तो वो उसे काफ़ी जल्दी और काफ़ी आवाज़ करते हुए उसे खा जाता है, ठीक है। तो पायरेट का कहानी खत्म। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। अब सबका बिहेवियर फिर से डिस्कस किया गया है। पायरेट का मरने का बाद देखिए सबका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। बेलिंडा उसे गले से लगा लेती है, मस्टर्ड जो था वो उसे चाटने लग जाता है क्योंकि वो मस्टर्ड कुत्ता होता है। नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को दुख नहीं है, शोक नहीं है उस मरे हुए पायरेट के ऊपर। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेट, और ये दोनों जो किटन और जो माउस थे वो ग्ली, ग्ली मतलब हैप्पीनेस, खुशी के मारे गाइडेट करने लग गए। गाइडेट क्या होता है, टू मूव अराउंड इन सर्कल्स, गोल गोल घूमने लग गए, ठीक है। अराउंड द ड्रैगन डैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों तरफ वो गोल गोल घूमने लग गए, वो ड्रैगन जो अभी अभी किसको खाया था, पायरेट को खाया था, ठीक है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेफ इफ आई हैडन्ट बीन फ्लस्टर्ड, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, We would have been three times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब देखिए, अब सबका बिहेवियर फिर से चेंज हो जाता है। अब वो जो डॉग था लिटल डॉग मस्टर्ड, वो बोलता है कि मैं अगर फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता, फ्लस्टर्ड मतलब नर्वस एंड कन्फ्यूज्ड, अगर मैं थोड़ा नर्वस और कन्फ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं दो गुना ब्रेव हुआ रहता, ठीक है, दो गुना ब्रेवरी से उसका सामना करता पायरेट का। और इंक और ब्लिंक बोलते हैं कि हम लोग तो तीन गुना ज़्यादा ब्रेव हुए रहते, ठीक है, जितना हम सोचते हैं अपने आप को। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड देखिए काफ़ी हम्बल वे में वो ये बात को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि आई क्वाइट अग्री डैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, जो मैं इस बात से सहमत रखता हूँ कि हर कोई यहाँ पे मेरे से ज़्यादा बहादुर है, ठीक है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटल वाइट हाउस विथ हर लिटल ब्लैक किटन एंड हर लिटल ग्रे माउस एंड हर लिटल येलो डॉग एंड हर लिटल रेड वैगन एंड हर लिटल रूलियो टूलियो लिटल पेट ड्रैगन। ये तो सुना सुना स्टैंजा लग रहा है, तो हाँ ये आपका स्टैंजा नंबर वन है। फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया स्टैंजा वन कि बेलिंडा उसी व्हाइट हाउस में रहती है, किसके किसके साथ रहती है, किटन के साथ, माउस के साथ, येलो डॉग के साथ, और एक रेड वैगन है उनके घर में, और उनका एक पेट है ड्रैगन, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे स्टिल लिखा हुआ है, स्टिल मतलब वो अभी भी रहती है, इंसिडेंट के बाद भी रहती है उसमें। लास्ट स्टैंजा में मूव करते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। तो ये भी स्टैंजा रिपीटेशन है स्टैंजा नंबर फोर का, ठीक है। बस डिफरेंस यही है कि स्टैंजा नंबर फोर में वॉज लिखा हुआ था, यहाँ पे इज लिखा हुआ है, यहाँ पे बेलिंडा इज और यहाँ पे मस्टर्ड इज, बाकी सारा चीज़ सेम है।
तो ये स्टेंजा भी यहाँ पे एंड होता है और इसी स्टेंजा के साथ ये पोएम भी एंड हो जाता है। चलिए अब इस पोएम में जो भी पोएटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम है उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में राइमिंग स्कीम क्या है। ये देखिए यहाँ पे हाउस और यहाँ पे माउस दोनों राइम कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे ए दें तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। वैगन ड्रैगन के साथ राइम कर रहा है, तो यहाँ पे बी देंगे तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेंजा का राइमिंग स्कीम हो गया ए ए बी बी, और लगभग यही राइमिंग स्कीम हर स्टेंजा में फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइस के ऊपर। तो देखिए बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटल हाउस वाइट हाउस, तो इसमें आई साउंड को ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, और आपको याद होगा कि प्रोमिनेंस ऑफ वोवेल साउंड को क्या बोलते हैं, आई एक वोवेल है तो ये हो जाएगा असोनेंस। ठीक है, और देखिए लिव्ड इन अ लिटल, तो यहाँ पे एल साउंड रिपीट हो रहा है वो भी एट द बिगिनिंग, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा एलिटरेशन, ये समझे। फिर और देखिए यहाँ पे देखिए लिटल 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 बहुत बार लिटल यूज वर्ड यूज़ हुआ है, तो लिटल यहाँ पे लिटल का क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, ये अगला पोएटिक डिवाइस है। फिर और देखिए यहाँ पे दो लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको याद होगा इसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा। ठीक है, अगले पोएटिक डिवाइस से मूव करते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये है पेट ड्रैगन। अब एक वर्ड तो पेट है, पेट पालतू जानवर को बोलते हैं, लेकिन ड्रैगन काफ़ी वाइल्ड होता है, इसको पेट बनाना मुश्किल है, तो दोनों ऑपोजिट वर्ड को एक साथ यूज़ किया गया है। तो ऐसा जब भी ऑपोजिट वर्ड दो ऑपोजिट वर्ड को एक साथ यूज़ किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरोन। अगला पे मूव करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रियलियो ट्रूलियो का मतलब था रियली एंड ट्रूली, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज किया है पोएट ने, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, पोएट ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट हो। चलिए तो इतना ही है पोएटिक डिवाइस फर्स्ट स्टेंजा में। मूव करते हैं सेकंड स्टेंजा में राइमिंग स्कीम। यहाँ पर भी इंक ब्लिंक ए ए और मस्टर्ड कस्टर्ड बी बी, ठीक है, ए ए बी बी यहाँ पे राइमिंग स्कीम होगा। कुछ पोएटिक डिवाइस पर बात करें तो देखिए नाउ द नेम एन साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो बताइए पोएटिक डिवाइस क्या होगा, एलिटरेशन। फिर यहाँ पे देखिए डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, वहाँ पे डॉग को कंपेयर किया गया है मस्टर्ड के साथ, और कंपैरिजन के लिए यहाँ पे एज वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो जब भी दो चीज़ का कंपैरिजन किया जाए और एज या फिर लाइक जैसा वर्ड हो तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली। ठीक है, आपको याद होगा, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया सिमिली, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, तो सी सी और यहाँ पे भी सी, क साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन, समझे। चलिए आगे मूव करें, इस स्टेंजा में भी पोएटिक डिवाइस देखिए टीथ अंडरनीथ तो ए ए, नोज टोज तो बी बी, सेम पोएटिक सेम राइमिंग स्कीम है यहाँ पे। और देखिए माउथ लाइक अ फायरप्लेस, माउथ को कंपेयर किया गया है फायरप्लेस के साथ और बीच में लाइक वर्ड है, तो पोएटिक डिवाइस बताइए क्या हो जाएगा, सिमिली। ठीक है, फिर और देखिए चिमनी फॉर अ नोज, नोज को कंपेयर किया गया है चिमनी के साथ, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक जैसा वर्ड नहीं है, डायरेक्ट कंपेरिजन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे देखिए डैगर्स ऑन हिज टोज, टोज को कंपेयर किया गया है डैगर्स के साथ, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो जाएगा मेटाफर। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं फोर्थ स्टेंजा पे। यहाँ पे देखिए बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैटल फुल ऑफ बेयर्स, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर किया गया है और यहाँ पे एज वर्ड है, तो पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिमिली, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और देखिए मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, मस्टर्ड को इसके साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिमिली। ठीक है, क्योंकि बीच में एज वर्ड है, राइमिंग स्कीम वही होगा बेयर्स स्टेयर्स तो हो जाएगा ए ए और रेज केज तो बी बी। ठीक है, फिफ्थ स्टेंजा पे मूव करते हैं। टिकल ढीम रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन हो गया पोएटिक डिवाइस। इंक ब्लिंक मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीबल, तो ये देखिए ये तीनों है जानवर, लेकिन यहाँ पे इनको एक ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, ये लोग काफ़ी गुस्से से उन्हें बुलाते हैं, ये लोग उसे रूडली बुलाते हैं परसीबल, तो ये रूडली कॉल्ड क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनको दिया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा परसोनिफिकेशन। ठीक है, और परसीबल एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर किया गया है यहाँ पे, तो पोएटिक डिवाइस हो जाएगा यहाँ पे अल्यूजन। तो ये हुआ यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइस, और राइमिंग स्कीम का बात करें तो अनमर्सीफुल परसीबल, फिर वैगन ड्रैगन तो ए ए और बी बी पोएटिक राइमिंग स्कीम होगा यहाँ पे। आगे मूव करें इस स्टेंजा पे, तो राइमिंग स्कीम सेम है ए ए बी बी सी शुक, अब समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एलिटरेशन। अब देखिए यहाँ पे एक नया पोएटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं ऑनोमाटोपिया। ऑनोमाटोपिया में क्या होता है, इसमें एक खास साउंड को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ब्लिंक ने बोला था वेक, तो ये ब्लिंक का साउंड है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा ऑनोमाटोपिया। ठीक है, चलिए और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है इंपॉर्टेंट, और आगे मूव करते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए सडनली सडनली, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा रिपीटेशन। फिर यहाँ पे देखिए म्याउच ऊह, तो ये सब साउंड है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, ऑनोमाटोपिया।
फिर यहाँ पे विंडा, पोएट ने यहाँ पे स्पेलिंग चेंज किया है तो पोएटिक डिवाइस हो जाएगा पोएटिक लाइसेंस। राइमिंग स्कीम वही है हमारा ए ए बी बी। इस स्टैंडर्ड पे मूव करते हैं तो देखिए पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट हैंड, तो पिस्टल का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है इस लाइन में। और आगे देखिए ही हेल्ड, तो एच साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग तो एलिटरेशन। बियर्ड वॉज ब्लैक, बी साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग तो एलिटरेशन। वॉज वुड, एलिटरेशन फिर से, और कुछ है नहीं। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए हेल्प हेल्प, तो ये भी रिपीटेशन हो जाएगा यहाँ पे। मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल, तो यहाँ पे देखिए एक खास टाइप का पोएटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ पे जो ये टेरिफाइड वर्ड है ये येल्प को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है बल्कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मस्टर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, मस्टर्ड डरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, फिर आगे देखिए इस स्टैंजा में बाकी राइमिंग स्कीम इसका भी वही होगा, हाँ ए ए और यहाँ पे बी बी। फिर इस स्टैंजा में देखिए कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक अ इंजन, समझ गए होंगे कस्टर्ड को कंपेयर किया गया है इंजन के साथ, तो लाइक वर्ड है और यहाँ पर जाएगा पोएटिक डिवाइस सिमिली। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड लाइन में भी आप देखेंगे क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन अ डंजन, तो हो जाएगा सिमिली। फिर पायरेट लाइक रॉबिन एट अ वॉर्म, तो यहाँ पे भी लाइक वर्ड से कंपैरिजन किया गया है तो ये भी हो जाएगा सिमिली। आगे मूव करें, राइमिंग स्कीम वही होगा यहाँ पे ए ए और बी बी। और देखिए गर्ल्प सम ग्रॉग, तो जी साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग तो एलिटरेशन हुआ, और कुछ यहाँ पे खास है नहीं। आगे मूव करें तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम विक्टिम हिम तो ए ए और गाइडेड पायरेट तो बी बी। ठीक है, और देखिए नो वन माउंट फॉर, ओ साउंड प्रोमिनेंस हो रहा है तो प्रोमिनेंस ऑफ वोवेल साउंड क्या कहलाता है, असोनेंस हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए इंक ब्लिंक इन ग्ली, आई साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है तो यहाँ पे भी असोनेंस। फिर ग्ली डिड गाइडेड, जी जी साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग तो एलिटरेशन। और इस स्टेशन पर मूव करें तो यहाँ पे देखिए मस्टर्ड फ्लस्टर्ड तो ए ए, ब्लिंक थिंक तो बी बी, और अग्री मी तो सी सी, ये हो जाएगा इसका राइमिंग स्कीम। और कोई खास यहाँ पे पोएटिक डिवाइस दिख नहीं रहा है। आगे मूव करें इस स्टैंजा पे, ये स्टैंजा में राइमिंग स्कीम तो वही होगा ए ए बी बी, और बाकी ये पूरा ही स्टैंजा क्या है, रिपीटेशन है स्टैंजा वन का। और इसी तरीके से ये लास्ट स्टैंजा भी रिपीटेशन है स्टैंजा फोर का। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ रिपीटेशन देखने को मिला था यहाँ पे कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, इस बात का बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी रिपीटेशन है। फिर उसी तरीके से रूलियो ट्रूलियो वर्ड भी बहुत बार रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे भी रिपीटेशन और यहाँ पे भी रिपीटेशन। ठीक है, तो बस यही था ये पोएम, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और जो भी चैनल में वीडियोज अपलोडेड है आप उसको जरूर देखिए, आपको वहाँ से जरूर हेल्प मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।